नमस्कार, आप देख रहे हैं लहुरी काशी न्यूज। एसटीएफ लखनऊ, आबकारी और नोनहरा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान महेशपुर बाजार से एक डीसीएम कंटेनर में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर नोनहरा थाना क्षेत्र के रोहिली गांव स्थित एमजेआरपी पब्लिक स्कूल शिक्षा निकेतन में टीम ने दबिश देकर एक व्यक्ति को पकड़ा। छापेमारी के दौरान एक 10 चक्का ट्रक, 1250 पेटी अंग्रेजी शराब, 2 ड्रम स्प्रीट, 33,440 छोटी बड़ी खाली शीशी, ढक्कन 78,205, 33 विभिन्न ब्रांड के रोल, 1 सीलिंग मशीन, 12 शीशी कैरमल कलर, 12 किलो यूरिया, 5 मोबाइल, 2 आधार कार्ड, 1 एटीएम कार्ड, 1 डीएल, 1 वोटर आईडी, 2,550 नकदी के साथ शराब बनाने का अन्य उपकरण बरामद किया। पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक डॉ. ओम प्रकाश सिंह ने अभियुक्तों को मीडिया से मुखातिब कराया। उन्होंने बताया कि बरामद शराब की कीमत 55 लाख है। गिरफ्त में आए तस्कर मऊ, बलिया आदि जिलों में आगामी पंचायत चुनाव में शराब की सप्लाई करने की फिराक में थे। फरार मऊ के ब्रह्मस्थान कोतवाली निवासी धर्मेंद्र मौर्य और एमजेआरपी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक प्रद्युम्न राम की तलाश की जा रही है। एसपी ने इस सफलता के लिए टीम को 25,000 पुरस्कार की घोषणा की। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसटीएफ प्रभारी उपनिरीक्षक संतोष कुमार सिंह, नोनहरा थाना प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह, एसटीएफ के जावेद आलम, चंद्र प्रकाश मिश्रा, कविंद्र साहनी, मृत्युंजय कुमार सिंह, कमांडो रमाशंकर यादव, चालक नागेश मिश्रा, नोनहरा थाना के उपनिरीक्षक वंश बहादुर सिंह, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार, कांस्टेबल मनोज वर्मा, कांस्टेबल दिनेश कुमार, कांस्टेबल मनीष यादव, कांस्टेबल प्रदीप कुमार, कांस्टेबल पंकज तिवारी, कांस्टेबल मनीष कुमार और आबकारी टीम के आबकारी निरीक्षक आलोक कुमार सिंह, निरीक्षक विनोद कुमार, निरीक्षक जमशेद आलम और आरक्षी राजेश शुक्ल शामिल थे। सुने क्या कहा पुलिस अधीक्षक डॉ. ओम प्रकाश सिंह ने। ये जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, होली जैसे त्योहारों में अवैध शराब का प्रचलन रहता है, इस संदर्भ में शासन के निर्देश पे अभियान चल रहा है। एसटीएफ की लखनऊ टीम ने सूचना डेवलप की और उसमें हमारी एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस ननारा पुलिस डिपार्टमेंट के संयुक्त अभियान में ये बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। इसमें 3 लोग पकड़े गए हैं, चार लोगों को अरेस्ट किया गया है और 2 लोग इसमें अभियुक्त वांटेड हैं और जो बरामदगी है वो बहुत अच्छी खासी बरामदगी है। लगभग 55 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की गई है, 1250 पेटी, लगभग 11,174 लीटर। एक ट्रक में इनको लेकर के आसपास के जिलों में मऊ, बलिया, जो आगामी चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए ये लोग सप्लाई करने की फिराक में थे, लेकिन एसटीएफ की सूचना संकलन और स्थानीय पुलिस ने जो मिलकर के ज्वाइंट अभियान चलाया तो उससे एक बड़ी कामयाबी इसमें मिली है। इसमें ट्रक 10 चक्का जिसपे लदी हुई थी वो बरामद हुई है और एक स्कूल जो एमजेआर पर पब्लिक स्कूल था वहाँ पे भी रेड की गई, वहाँ के मालिक को इसमें वांटेड किया गया है। वहाँ पे भी कंटेनर डीसीएम, 2 ड्रम स्प्रिट, 400 लीटर और खाली शीशी की बोतलें 33,440 अदद और ढक्कन लगभग 78,205 बरामद हुए हैं और रैपर ब्रांड के 33 रोल, सीलिंग मशीन और जो कैरमल कलर होती है वो 12 शीशी, यूरिया 12 किलो, मोबाइल 5 अदद, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, डीएल, वोटर आईडी, इन सब और नकद 3,350 रुपये, ये सारी चीज़ें इन लोगों से बरामद की गई। एक बड़ा रैकेट था, एक बार ये लोग डिलीवर भी कर चुके हैं ऐसा पता चला है। इस संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और इनके जो एसोसिएट्स हैं, जो वांटेड हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा और इस चीज की और गहराई से छानबीन की जा रही है कि इन्होंने कितने दिनों से यहाँ पे ये पूरा धंधा फैला रखा था और आगे की इनकी क्या प्लानिंग थी। इनमें और भी अभियुक्त जो हम लोगों को अभी दो वांछित हैं, उसके अतिरिक्त जो लोग अगर वांटेड होंगे वो उनकी बड़ा